प्रिय साथियों, मेरे पीछे आप एक बहुत सुंदर यक्षशाला देख रहे हैं और ये पूरा जंगल का एरिया। आज शिवरात्रि है और सावन का पावन पर्व चल रहा है और हर क्षण हर पल ऐसा लगता है कि शिवमय हो गया है। देखिए, आज हम शांडिल्य धाम अयोध्या में मौजूद हैं और यहाँ पर 5000 नीम के वृक्ष का बीजारोपण आज हो रहा है। श्री विजय तिवारी जी और मनोज सिंह इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से अयोध्या में यहाँ पर श्रमदान करते हुए और निम्बोरी नीम के वृक्ष लगाने की यहाँ पर जो शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत प्यारा बच्चा भी है जिसको एक ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पर वो किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पीछे एक बहुत ही खूबसूरत जल स्रोत भी है, तालाब भी है। बड़ी क्या कहते हैं, इस पर जो है कि बारिश बहुत कम हुई है। कल कुछ देर यहाँ पर बारिश हुई थी जिससे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गीला वो दिखाई दे रहा है। हम आपको शिवलिंग के दर्शन भी करा रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर नीम की वृक्षारोपण हो रहा है। ये है वो दिव्य शिवलिंग। कल इस दिव्य शिवलिंग की साथ हवन किया जाएगा। देखिए, ये दिव्य शिवलिंग है और ये 7 स्टेप है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नमः। वहाँ जाकर आप जब जल चढ़ाते हैं तो सचखंड तक पहुँचने का प्रावधान है और शिव एक महीने की जो ये क्या कहते हैं सावन मास है उसमें एक महीने लोग शुद्धता से रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और प्रकृति भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। चलिए जी। और 6500-7000 के पास डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें और लगभग 7000-6500 डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड जिसको कहा जाता है। अच्छा, हमारा जो फोकस है कि अब भारत सरकार को अर्बनाइजेशन को रोक देना चाहिए जी, और जो शहरीकरण है और नेचर की तरफ, नेचर फ्रेंडली चीजों में जाना चाहिए। जैसे कि अब कोरोना आ रहा है, अब कल से हम देख रहे हैं कुछ समय से मंकी पॉक्स आ रहा है, ये नई नई बीमारियां। मैंने सजेस्ट किया है प्रधानमंत्री जी को भी कि सबसे पहला काम अगर हमें रोगी को और रोग को ठीक करना है तो उसका प्रचार प्रसार कम करना चाहिए, मीडिया पे तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक लेवल से हम लोगों को बीमार करता रहता है। ये शायद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी कुछ लोगों की जो मंकी पॉक्स और इसकी कोरोना की मेडिसिन को बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद, आयुष या नेचुरल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो हम रोग की बात नहीं करते जी, निदान की, खान पान की, क्या करना है क्या नहीं करना है, यम नियम की बात करते हैं जी। और क्योंकि जब हम जितना माइंड में या जितना उसके बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोग कैंसर की हीलिंग भी करते हैं जी, तो कैंसर की हीलिंग में हम कभी पेशेंट को उसके बारे में नहीं बात करते, क्योंकि जब तक उसका उससे ध्यान नहीं हटेगा बीमारी से, तो उसी तरह से समाज का भी ध्यान जो है जब तक इन बीमारियों से नहीं हटेगा जी, वो कभी ट्रीट नहीं होगा, उल्टा बीमारी फैलती चली जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी तो हमारे बड़े ज्ञानी हैं, मैं उनसे निवेदन, मैंने ट्वीट के माध्यम से भी किया है, आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा। इसमें WHO है और बड़े बड़े ज्ञानी हमारे बाइडन साहब हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी, कि आप प्रचार प्रसार मत करिए बीमारियों का, और आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो जो भी रोगी है उसको आप ले आओ हमारे भारत में, हम लोग उसको अधिक क्योर कर देंगे। भारत में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, दुर्लभ ज्ञानी लोग हैं, यहाँ पे वैद्य हैं, गुरु हैं, वो सब मिलकर के हम अच्छी से अच्छी बीमारियों का ट्रीट करते रहे हैं, कर देंगे, और वो बिल्कुल संपन्न जैसे ये वृक्ष बारिश में खिल रहे हैं, कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहे हैं, इसी प्रकार से ये मानवता भी खिलती रहेगी, हमारे बच्चे भी। ये देखो कितना बच्चा मेहनती बच्चा है, इसमें भरना है यहाँ पूरा क्या, ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बेटा बहुत एंजॉय कर रहा है आपके साथ। तो जो 3 महीने का जो कोर्स है, हाँ जी हाँ जी, और उसमें क्या डिफरेंस है और जो 1 साल का है? देखिए, तीन महीने में हमें एक स्किल डेवलपमेंट मैनेजर हर स्कूल में, जो हमारे CBSE के स्कूल्स हैं जी, उसमें हम स्किल डेवलपमेंट मैनेजर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कर रहे हैं जी, जिससे कि वो स्किल को डेवलप करें। अच्छा। और
तो 3 महीने में जी, तो वो फिर स्कूल में स्किल डेवलपमेंट मैनेजर होगा, फिर जो भी अलग अलग विधाएं हैं उसके वो एक्सपर्ट्स को रख करके जी हम लोगों के साथ उसमें स्कूल के, तो स्कूल लेवल पे स्किल मैनेजमेंट का काम, स्किल डेवलपमेंट का शुरू हो जाएगा। फिर जब तक वो कॉलेज में आएगा जी, तो वो किसी न किसी उस विषय को चुनेगा जो उसको, जिसमें उसका पैशन है या जिसमें भविष्य दिख रहा है और उससे उसके मानसिकता से भी तालमेल खाता है जी। और एक साल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रति ग्राम पंचायत 1-2 करोड़ रुपया पूंजी निवेश कैसे आए, जिसको हम विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर कह रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर रूरल इंडिया कह रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग का होगा। तो वो तमाम विषयों का हमने पूरा एक सिलेबस बनाया है, उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों को करेंगे, देखेंगे और उसको पूरा एक समृद्ध भारत, विश्वगुरु भारत, विकसित भारत के भागीदार बनेंगे। तो ये पूरे भारत में ये चीज आप लोग कर रहे हैं या अलग अलग? हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज को बोल रहे हैं आप कामधेनु चेयर क्रिएट करो, हमने इसका रोड मैप किया है। कामधेनु चेयर अपने ब्लॉक लेवल में डिग्री कॉलेजेस को पार्टनर कैसे बनाए, ब्लॉक के कॉलेजेस अपने स्कूल्स के साथ कैसे भागीदारी करें, युवा इसमें कैसे जुड़े, ये लगभग हम टोटल 1,000,000 लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को और विश्व में भी ऐसी समस्याएं हैं उसको डेवलप करने में वो लोग काम करें, हमारे साथ जुड़े। आज सावन का महीना है, भोले शंकर को लोग इतना मानते हैं, तो आप भोलेनाथ की तरफ से युवाओं को कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो जो लोटस टावर टीवी के माध्यम से या देश के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हो? हमारे जो शिव बाबा हैं, ये सावन जो है उन्हीं को समर्पित होता है सावन का महीना जी। तो शिव बाबा पांचों तत्वों के, वो इस फॉर्म में नहीं है जैसा हम लोग देखते हैं, वो निराकार हैं और इन पांचों तत्वों के, ये जो कि आकाश है, हवा है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी है, इन पांचों तत्वों के वो मालिक हैं, इसके क्रिएटर हैं, इसके गवर्नर हैं, उनका कोई शेप नहीं है। और जो हमारा कॉस्मिक शेप ब्रह्मांड है उसी शक्ल में हम लोग उनको पूछते हैं, जो हम लोग महादेव का, जो शिव जी का प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग तरीके से उसको फैलाते गए, वो करते गए, जो ठीक है जो लोग अब करते हैं वो अच्छी बात है। हमारा काम ये है कि हम नेचर के साथ जुड़े। आज हमारे, कल मैंने अभी देखा राष्ट्रपति जी ने, मुर्मू जी ने अपनी शपथ ली है, वो एक आदिवासी उससे आते हैं। वैसे तो हम सभी आदिवासी हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी जंगलों में रहे होंगे, उन्होंने भी अपना जंगलों के साथ, तो उन्होंने प्रकृति संरक्षण की बात कही है, उन्होंने नेचर की बात कही है। तो मैंने उसको यूनाइटेड नेशंस को और बाइडन को, जो क्लाइमेट चेंज और बहुत सब शोर मचाते हैं, उसमें मैंने कहा है कि आप पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करो और नेचर के साथ नेचुरल वे में चीज़ों को ग्रो करने दो। जो ये आपने हाई हाई वॉर्स, वेपन्स, मॉडर्नाइजेशन, सब चीज़ों का जो मचा रखा है, जिसकी वजह से खूब बीमारी लोगों के अंदर, वो आज मैं एलन मस्क को देख रहा था, हालांकि बहुत सारे लोगों का वो होगा, दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, तो लेकिन पता चला कि उसके 5 डाइवोर्स हैं, 8 बच्चे हैं, उसकी बेटी 18 साल की उसको डिसोन कर रही है कि नहीं तो मेरा बाप नहीं है। तो इस तरह से जो कल्चर को बढ़ाया गया है, जो भारतीय कल्चर के टोटल विपरीत है, प्राकृतिक के, ऐसे पैसे का क्या फायदा? और ऐसा पैसा ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाने का, वो फिर वो कल एक रणवीर सिंह कपूर है क्या है, उसने अपने नंगे होकर के जो है सोशल मीडिया पे डाला, तो FIR उस पे करने के लिए भी हमने बोला, और कि भाई ये न्यूडिटी जो है आप क्यों इसको परोस रहे हैं, आप घर में रखो इसको, ठीक है, या तो जंगलों में चले जाओ, टार्जन मैन बन जाओ, बाहर ऐसे मत करो, तो या तो जंगल में आओ घूमो, देखा जाएगा। तो क्योंकि वो अपने पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करते हैं और जो हमारे युवा हैं उन्हीं को रोल मॉडल समझते हैं, तो जबकि असली रोल मॉडल तो मुर्मू जैसे लोग हैं जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं, जो जंगलों में जंगल संरक्षण, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। प्रधानमंत्री जी तो है ही हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश के हैं, लेकिन ऐसे हमारे हर ग्राम पंचायत, जैसे इस जंगल में जो भी पेड़ दिख रहे हैं, जो कट भी गए हैं, ये हमारे दादी के लगाए हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी लगाए होंगे, लेकिन हमारी दादी जो है, क्योंकि हम लोग बचपन में आते थे तो वो हम लोगों से बीज रखवाती थी, फिर या पौधा लगाती थी, फिर उसको उसमें कांटे लगाती थी, फिर वो रेगुलर हम लोगों से पानी इसके अंदर डलवाती थी, बहुत सारे पेड़। तो इसका मतलब आपने बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर आकर पौधे लगाए, हाँ, इसीलिए आपको बहुत अटैचमेंट है इस जगह से। जगह से भी अटैचमेंट है, हाँ। हमारे पूर्वजों की जगह है और हमारे पता नहीं कितने पीढ़ियों के पूर्वज इसके अंदर
उनकी यहाँ पे अंश होंगे, तो और हम लोग भी इसी में मिलेंगे, इसलिए हम लोगों को तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और लोटस टावर टीवी ने यहाँ पर आकर ये प्रकृति की छटा आपके साथ देखी है, बहुत ही प्यारी, बहुत बहुत धन्यवाद। thank you. और इतने सारे वृक्षारोपण में आप इस तरीके की शुरुआत जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो भी एक सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे वाह, ये छोटा सा बच्चा कितनी बढ़िया साइकिल चला रहा है ना? क्या नाम है आपका? रवि। रवि, मजा आ रहा है आपको पेड़ लगाने में? अच्छा, देखो भाई पेड़ लगा रहा है बच्चा। नेचुरल एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। कल हम लोग यहाँ पर हवन करेंगे, बेहद खूबसूरत स्थान है ये। और आप सोच सकते हैं कि इतना सुंदर और खूबसूरत स्थान पर, यहाँ पर बहुत सुंदर लोगों के घर भी हैं, बहुत प्यारा गांव है ये, और इतना स्पिरिचुअल है। कहते हैं कि साक्षात शिव बाबा का इस जगह काफ़ी ज़्यादा पावर्स और वाइब्रेशन है, और शिव राम के हैं और राम शिव के हैं ऐसा कहा जाता है। तो वैसे तो प्रकृति छटा दिखाने में प्राकृतिक को कोई भी पूरे तरीके से बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी झलक आप सबके बीच में लाने की, भोले नाथ की कृपा सब पर बरसती रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। देखिए तिवारी जी अब दूसरे छोर से अब दूसरी तरफ आ गए हैं, मंदिर दूसरी तरफ रह गया है, और हम पूरा चक्कर काट कर हम दूसरी तरफ आ गए हैं। आपको मैं यहाँ से दूर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से, वो देखिए यज्ञशाला कितनी दूरी पर है, और हम काफ़ी दूर आ गए हैं। बीच में ये छोटा सा एक तालाब है जो कि बहुत अधिक बारिश होने से ये पूरा लबालब भर जाता है, फिर भी थोड़ा ही है। और देखिए ये लोग यहाँ पर अभी भी नीम के जो बीज हैं उसको पूरा छिड़क रहे हैं। और देखिए दूर से कुछ छोटा सा प्यारा सा गांव भी दिख रहा है। अब हम दूसरे छोर की तरफ आ चुके हैं गांव के। इस छोर पर आने से यज्ञशाला और मंदिर काफ़ी दूरी पर आ चुका है। देखिए चारों तरफ से आपको हमने जंगल में डीपली जाकर भी दिखाया, लेकिन जो ये साइडों पर खोद दिया गया है ये बहुत ही दुख की बात है। ये पूरा यहाँ के पिछले प्रधान ने इसकी ब्यूटी को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बावजूद भी काफ़ी खूबसूरत है, और लोगों की दोबारा मेहनत से ये फिर से सुंदर बन जाएगा, ऐसी मनोकामना है हमारी। अभी चलते हैं, देखते हैं कि और कितने वृक्ष लग रहे हैं। देखिए साथियों, समय समय पर आपको आम गाय तो नज़र आ ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर अब ये दिखाते हैं कि यहाँ पर नील गाय भी यहाँ पर घूम रही है, भ्रमण कर रही है आगे की तरफ, और सर कह रहे हैं आगे की तरफ जाएं, पर मुझे तो नील गाय पहली बार मैं देखूँगी। देखते हैं कि वो दिखती है कि नहीं, और मुझे डर भी लगता है। नील गाय कहाँ पर है? नील गाय कहाँ? वो देखिए, वो देखिए एकदम हिरण जैसी। किसी के खेत में घुस गई है ये नील गाय एकदम। बहुत ही इनका जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा सदी हुई है, और अब ये खेत को डिस्ट्रॉय करने के लिए घुस चुकी हैं। सिंह जी, अरे आप तो बहुत तेजी में हैं, क्या बात है,
क्या हो रहा है? आज इस सावन के महीने में हम लोग अयोध्या में हैं। हाँ, शांडिल्य धाम यज्ञशाला भी दिख रही है बिल्कुल। और हम यहाँ पे लगभग 5,000 से ज्यादा जी जो निमोलिया हैं हमने इकट्ठी की थी। हाँ, यहाँ पे लगभग हमें 20-25 दिन की जी। और अब हम उसको लाके इस पूरे एरिए में इसको छीट रहे हैं। अच्छा, डाल रहे हैं। हाँ, जिससे यहाँ पे नीम जो है स्वतः अपने आप उग गया है, नीम वन बन रहा है। और प्रोसेस ये है कि इसको एक नीम के जंगल के रूप में, एक नीम वन के रूप में इस एरिया को डेवलप किया जाए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत ही गिनती है, बहुत पेड़ हैं, आम के, महुआ के, बहुत सारी प्रजातियों के पेड़ हैं यहाँ पे जी। लेकिन नीम थोड़े कम है इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हम हैं। अच्छा। तो हमने गाँव से सारी निमोलियाँ इकट्ठी करी हैं। अच्छा। हाँ, लोगों को बोला कि अब सब निमोलियाँ अपने घर की झाड़ू लगा के यही जगह कर दो। हाँ, किया, फिर हम उसको उठा के लाए हैं वहाँ से। अच्छा। और यहाँ पे सबको हजार को स्प्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल गांव के ज्यादा लोग पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज जो है शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि का दिन है, फिर हमने बताया भी नहीं, हमने सबसे इकट्ठी कर ली थी। हाँ। लोग लेके आ गए यहाँ पे कि कम से कम लोग जाके हम सुबह से कर गए। हमारे साथ श्री विजय तिवारी जी भी है जो इंडोरियन चैम्बर के प्रेसिडेंट है। हाँ, एक बच्चा भी है गाँव का हमारे साथ जी, उसने अपनी। मनोज सिंह जी, आप गोरखपुर में अभी आपने रिसेंटली एक क्या कहते हैं नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, तब तक हम श्री विजय तिवारी जी के पास पहुंच जाएंगे। प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है, जो अब तक हम काफी टाइम से बात कर रहे थे कि क्रिएशन ऑफ सीईओ फॉर एक ग्राम पंचायत जी, VIIT जो हम बात कर रहे थे। हाँ, हाँ। उसी का प्रोसेस है जो हमने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वीडा जो गोरखपुर में उसके साथ स्टार्ट किया है जी। और कि गांव में कैसे पूंजी निवेश आए, गांव को कैसे एक एंटरप्राइज समझा जाए जी, उसको लेके सारा प्रोग्राम है ये। हाँ, तो उसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, क्योंकि कल अमावस्या है, तो हम लोग हर अमावस्या को अयोध्या में अपने शांडिल्य धाम में हवन आते ही आते हैं, आते ही आते हैं हवन करने। अच्छा। आते हैं। तो इस बार हम 2 दिन पहले आ गए क्योंकि कुछ काम भी था अयोध्या में। और इसी सिलसिले में जो आज का दिन है, हम इसको वृक्षारोपण में, बीजारोपण में इसको यूटिलाइज करें। अच्छा। तो ये इस तरीके का जो सिस्टम आप लोग अपना रहे हैं, क्या इससे नीम उग जाएगा? जी बिल्कुल, यही तरीका है। निमोलिया जो गांव वाले कूड़े में डाल देते हैं, डाल देते हैं का भी हमारे गांव वालों ने मिलकर। हाँ, नया ये जो आप देख रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे पेड़ हमने मंदिर के आसपास जो अपनी एक साल। ये प्यारा बच्चा भी साथ में है। ये ऐसे बहुत पेड़ लगाए हमने इस पूरे, यहाँ से आप आगे दिखाएंगे हम आपको। आइए, ये गांव वालों ने लगाए हैं। अच्छा। इस जगह को दोबारा से किसी रीजन की वजह से सारे पेड़ों को काट दिया गया था यहाँ से, ठीक है, तो अब दोबारा से उनको यहाँ पे लगाया जा रहा है। अब हम पहुँच गए हैं लगभग श्री विजय तिवारी जी के पास। आप भी थोड़ा सा निम्बोली का वो करिए इस्तेमाल। तो जो स्टूडेंट हैं वो किस क्राइटेरिया से आप लोग ले रहे हो? मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, मनोज सिंह जी थोड़ा हमारे पास कैमरे के पास आए ताकि लोग सुन सके। मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चा। अच्छा। और उन बच्चों को ही हम इस पूरे प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं। हाँ, वो आए यहाँ पे और ठीक है। और तो ये घने इसमें क्यों फेंक रहे हैं आप? सुरक्षित रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर जो इनको खाएगा नहीं। अच्छा। पौधा थोड़ा निकलता है, बड़ा होता है। हाँ, हाँ। तो कोई खाएगा नहीं। अच्छा। तो इधर पानी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन है इनको डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, लेकिन यहाँ पर अजीब सा मिट्टी को कटाव करके ऊंचा कर दिया गया है। हाँ, ये सरकार के जो कुछ लोग हैं। श्री विजय तिवारी जी के पास अब हम जा रहे हैं। सर नमस्कार, आपका वृक्षारोपण का हम देख रहे हैं काफी देर से, लोटस टावर टीवी का आपको हार्दिक स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम तो गोरखपुर में भी आपको हम कवरेज दे रहे थे और काफ़ी लोग आपका वो देख रहे थे। अब एक जंगल का एक नेचुरल आपका जो वीडियो है साक्षात चल रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो नीम इस तरीके से आप उगाना चाह रहे हैं और यहाँ का जो स्थिति है वो थोड़ी चेंज हो जाए, ताकि कुछ पेड़ भी बीच में मैं देख रही हूँ नए पेड़ लगे हैं। कुछ अधिकारियों का और यहाँ के पिछले सरपंच के
वजह से उन्होंने जो है इसमें मनरेगा के पैसों का दुरुपयोग करके पूरे जंगल को बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे वृक्ष थे, जैसे इसे भी बड़े बड़े वृक्ष थे जी, सब यहाँ पे इन्होंने काट दिया। तो बड़ी मुश्किल से सब जगह भाग करके गांव वालों ने इस पूरे जंगल को बचाया और इसमें बहुत खूबसूरत तालाब, ये तो बहुत ही रिजॉर्ट टाइप की खूबसूरत जगह दिखती है, नेचुरल फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे पूरा काट दिया है मिट्टी। और हम लोग अब इसको नीम वन, और अभी थोड़ा वृक्षारोपण भी कराया गया है। हाँ हाँ, वृक्ष भी लग रहे हैं। हाँ, क्या है क्योंकि इसमें ट्री गार्ड नहीं होगा तो ये टेढ़े भी हो गए, कुछ गिर भी गए हैं। ट्री गार्ड के अभाव में कैसे बचेंगे? तो हम जो ये जो वो तो थोड़ा बहुत झाड़ी है हाँ, बची हुई बच गई है, बची क्या है वो छोटी अपने आप ग्रो करी है, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ये तो नेचुरल है। हाँ, अभी जो है लोकपाल मनरेगा भी यहाँ पे आए थे। अच्छा अच्छा, पूरे की जांच पड़ताल करने के लिए जी, यहाँ पे क्या अनियमितताएं हुई हैं जी, तो इस पे जांच भी चल रही है। तो हम लोगों का काम सिर्फ ये नेचुरल फॉरेस्ट कैसे ग्रो, बड़ी इसमें बहुत ही हमारे पूर्वज इसमें से औषधियां भी निकालते रहे हैं जी, अब तो बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है जी। जैसे ये जो पत्ता है ये चोट लगने में इसको हल्का सा सिकाई करके इसमें काम आ जाता है। कौन सा पत्ता? ये जो ये पौधे, ये चौड़ा सा पत्ता दिख रहा है, हरा वाला बीच में है। अच्छा, छोटे छोटे पत्ते, ये हरा वाला जो सर ज्यादा हरा दिख रहा है अभी। अच्छा, ये छूल है, पलाश है ये। हाँ हाँ, ठीक है ना, पलाश के फूल का अपना ही एक महत्व है। पलाश को तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये देव वृक्ष है और आकाश से उतरा है। कुछ शीशम लगाए जा रहे हैं, कुछ सरपत, कुछ नेचुरल, लेकिन जो अगर किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ जी, हाँ, इसको एक बार बरसात हुई है तो जो मिट्टियाँ निकल के आई हैं। हाँ हाँ, अब ये देखिए कि कितने फिट है, 1-2 ऑलमोस्ट 3 फिट की खुदाई के बाद। हाँ हाँ हाँ, इसमें ये देखिए ये मटकों के निशान है, ये मटका रहा होगा तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पूर्वजों की समाधियाँ रही हैं और बहुत कई पीढ़ियों से यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे दबी हुई है जी। ये क्या है? क्योंकि ये जो दिखाई पूरी इसमें दिखाई दे रहा है कि मिट्टी दिखाई, बर्तन, मिट्टी नहीं बर्तन दिख रहे हैं। तो हाँ, आओ बेटा, बहुत सारे पूर्वजों की इसके अंदर, क्योंकि तब तो ऐसे समाधि उमाधि बनाने का था नहीं चलन। हाँ, तो उनके बहुत सारे लोग यहाँ पे। हाँ, ये ज्यादातर यहाँ पे मटकों के अवशेष दिख रहे हैं या पुराने बर्तनों के दिख रहे हैं, पुराने बर्तनों के जो पके हुए बर्तन होते हैं। हाँ, बर्तन उस समय तो जब लोग क्या कहते हैं गाँव के लोग थे तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। देखिए उस जगह पे ज्यादा थी, उस पर्टिकुलर एक लोकेशन में। हाँ, इधर देखिए, इधर भी बचपन में भी सब हम लोग जो है ना मिट्टी का था। सर थोड़ा पास आ जाएं हम। हाँ जी, हमारे बचपन में भी हमारे यहाँ जो ना खपड़ा नरिया वो जो है ना पुराने उसमें कबेलू से बनते थे जी। और मुझे ध्यान है यहाँ पे हमारे एक गांव के कहार भी होते थे। अच्छा, वो बनाते थे और मिट्टी के घर होते थे जी। उसमें उस समय कोई पक्का लिंटर और ये सब चीजें नहीं होता था। बहुत पास पास नहीं फेंकना है, दूर दूर फेंकना है। तो बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट मोमेंट है सावन में। आपने ये एक सिंबॉलिक भी, लोगों तक भी ये अगर बात पहुंचती है कि किस तरीके से हम इसको नीम वन में हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं जी। एक सेकंड देखिए सर। हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ पे ये लगभग 5000 से ज्यादा नीम के बीज हैं जी। तो ये अपने आप उगेंगे नेचुरली जी, और फिर उसका कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा, क्योंकि नेचुरल जो फॉरेस्ट होता है जिसको परमाकल्चर भी आज की डेट में लोग कहते हैं, वो इसी तरह से उगाया जाता है, वो नेचुरल कंडीशंस में उगता है और इसमें ही जो चीजें उगती हैं उसी को जब खाते हैं तो वही ऑर्गेनिक होता है। जो हम लोग कल्चर्ड ऑर्गेनिक फूड्स बनाते हैं उसको ऑर्गेनिक कह देते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक एक्चुअल में ही है। बेटा भर लो फटाफट, कितना तेल की बाल्टी हो, कितना और है? हाँ, ले आओ जल्दी। तो जो क्या कहते हैं, जैसे हम लोग नीम कर रहे हैं, और चीजें भी ऐसे हो सकती हैं। हाँ, अब इसके बाद आप कौन सा पेड़ सजेस्ट करेंगे नीम के अलावा? हम इसमें जो है जैसे अभी अगले साल हम लोग इसमें कटहल लगाना चाहेंगे। पहले हम चाहेंगे ना ये थोड़ा सा ग्रो हो जाए, क्योंकि ये जो बर्बादी कर दी है तो इसमें थोड़ा अभी आके जांच पड़ताल भी चल रही है कि थोड़ा वो ठीक हो जाए। फिर इसके बाद इसमें जैसे कटहल है, ठीक है, कटहल के 100-200 वृक्ष, बेल है, बेल के वृक्ष, फिर जो हमारे ये पाकड़ है, पीपल है और नीम लगी रहा है, ये इन इस तरह के वृक्षों से, क्योंकि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको इसमें से आहार मिल जाएगा।
और ये नेचुरली इतना खूबसूरत हो जाएगा, जैसे इसमें अगर 1000 पेड़ भी नीम के आ गए तो समझिए ये इतना आसपास के 10-20 गांवों को ये हवा देंगे शुद्धता के साथ में। तो ये एक प्रयास है। अभी आप एक VIIP का आपने वो शुरुआत की है गोरखपुर में, उसके लिए हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपके साथ मनोज सिंह जी भी थे, तो हम बात करना चाहेंगे, मनोज जी को भी हम बुला लेते हैं। तो किस तरीके का अभी आप लोगों को, कैसे लोगों को आप बुलाना चाहते हैं उस प्रोग्राम में, क्या क्राइटेरिया है? ये शांडिल्य धाम के जंगल की जो हरियाली है, सबसे पहले इस जंगल में मैं, हमारी जो इटली से मैडम आई थी एमी ब्लेसियो जी, हम उनके साथ आए थे और जो हमने मंदिर दिखाया छोटा सा वहाँ पर उस समय वो था, लेकिन शिवलिंग की स्थापना अभी 2 साल पहले हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जंगल में आज इतना डीपली अंदर को जाकर। और वृक्षारोपण जो हो रहा है श्री विजय तिवारी जी के द्वारा, मनोज सिंह के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अयोध्या में इतने पावन, कण कण में राम जहाँ पर बसते हैं, उस स्थान पर आकर देखिए, यहाँ बगल में खेती भी हो रही है आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे प्यारी सी एक बकरी भी सामने से आ रही है।